सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ये कूल लुकिंग सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि एक शॉपिंग शॉपिंग कार्ट टाइप का लग रहा है। कार्ट लाइक देखो, जिसमें हम यहाँ पे शूज वगैरह परचेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज सिलेक्ट कर सकते हैं ना, क्वांटिटी वही, अब जिसके पास इतना पैसा हो 15,000 के 2 पैर जूते लेने का वो ले सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी एक वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीएस कोड अपन ने ओपन कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर वीएस कोड ओपन करने के बाद न्यू विंडो वीएस कोड की, ठीक है, एक और विंडो अपने यहाँ पर वीएस कोड की ऑन कर दिया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइल में, हमने एक नई फाइल बना ली है, मतलब एक नया क्रिएट कर लिया एप्लीकेशन, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, नाइक रिस्पॉन्सिव, ठीक है, नाइक की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मेन फाइल है हमारी, मेन डॉट डार्ट है, तो यहाँ पर हमको बॉयलर प्लेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, बॉयलर प्लेट लिखेंगे हम यहाँ पे। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी, राइट? ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आए, हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिखते हैं, इम्पोर्ट लिखेंगे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करा हमने, क्या पैकेज यहाँ पर इम्पोर्ट करा, पैकेज में क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, फ्लटर, फ्लटर में क्या कर रहे हैं, मटीरियल डॉट डार्ट, ठीक है, ये करा हमने। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे वर्ड मेन, ठीक है, वर्ड मेन, ठीक है, void main क्या कर रहा है, void main यहाँ पर हमको डिनोट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन ऐप कर रहे हैं। रन ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक अपना खुद का मटीरियल ऐप बनाएंगे। व्हाट इज मटीरियल ऐप, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। ये हमको एटलीस्ट वन ऑफ द चीजें देता है, बेसिक सा, या तो होम, नॉट नल, नेविगेटर वगैरह, ये जो चीज हमको अभी चाहिए है ना, बेसिक चीजें जो नीडेड है वो हमको ये यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, होम, होम के आगे अपना माई ऐप, देखो ये आ गया अपना होम माय ऐप, एंड यहाँ पे डीबग शो चेकर मोड फॉल्स, ठीक है, ये हो गया अपना सिंगल पार्ट। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको बनाना है एक स्टेटफुल विजेट, क्योंकि हम स्टेटफुल विजेट है, तो क्योंकि हमारी चीजें उसमें चेंज होगी, मतलब यूजर से रिस्पॉन्स करेगा वो, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेटफुल विजेट, ठीक है। सो आई यूज व्हाट, माय ऐप यूज करा मैंने यहाँ पर, आई गेस यहाँ पे कॉन्स्ट एरर आएगा, ओके, ठीक है, कॉन्स्ट मॉडिफायर इग्नोर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना, हमको यहाँ दे रहा है क्या, रिटर्न कर रहा है कंटेनर, कंटेनर रिटर्न कर रहा है, तो इस कंटेनर के अंदर इसकी हमको विथ सेंड सेट करनी पड़ेगी। तो विथ क्या कितनी रखूंगा मैं यहाँ पे, डबल डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, विथ मैंने डबल डॉट इन्फिनिटी। डेकोरेशन क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बॉक्स डेकोरेशन कर रहे हैं, बॉक्स डेकोरेशन कर रहे हैं। बॉक्स डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे भाई हमको ग्रेडियंट बताना है, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अंदर आएगा अपना लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर, लीनियर ग्रेडियंट, एंड लीनियर ग्रेडियंट के अंदर क्या आ जाएगा अपने, कलर्स, कलर्स के अंदर यहाँ पे आएंगी कुछ वैल्यूज। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे तुम क्या कलर देने वाले हो वो तुम देख लो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलर डॉट फ्रॉम ARGB, ARGB के अंदर यहाँ पे आएगा 255, ये बेसिक कलर वैल्यूज है यार, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपनी एक कलर वैल्यू, ये हो गया क्या 75, ये हो गया 120, एंड ये कुछ आई गेस ग्रीनिश शेड यहाँ पे बन के आएगा, देखना, देखा ये ग्रीनिश शेड है, तो ये हो गया अपना एक कलर। एंड ऐसे एक और कलर हम बनाएंगे, तो उसमें क्या करूंगा मैं, उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ से कॉपी करा, इधर पे लगाया क्या मैंने कॉमा इंसर्ट करा, एंड कॉमा इंसर्ट करने के बाद पेस्ट, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंजेस आ जाएंगे, ये हो जाएगा अपना 53, मतलब 53 हो गया ये अपना, एंड उसके बाद यहाँ पे आ गया 76, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया 84, 84, तो ये देखो उसी कलर का थोड़ा सा डार्क शेड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना, इतना हो गया अपना डेकोरेशन का चीज रेडी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर आए अपन डेकोरेशन कर रहे हैं, तो डेकोरेशन के बाद तो करो सबसे पहले तो फॉर्मेट, फॉर्मेट करा, फॉर्मेट करने के बाद ये लीनियर ग्रेडियंट जहां पे खत्म हो रहा है, राइट, तो इसके खत्म होने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, बिगेन, ये बिगेन कहाँ से करेगा, तो अलाइनमेंट सेट कर दूंगा मैं, अलाइनमेंट डॉट, अलाइनमेंट डॉट कहाँ से, टॉप के सेंटर से अलाइनमेंट स्टार्ट होगा इसका, एंड इसकी एंडिंग कहाँ से होगी, एंड इसकी होगी अलाइनमेंट, अलाइन ALI, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर से, ठीक है, बॉटम सेंटर से इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे
एक आता है अपना टाइल मोड, ठीक है, तो टाइल मोड तो क्या आ जाएगा, टाइल मोड डॉट क्लैम्प, टाइल मोड डॉट क्लैम्प, ठीक है, ऐसे करके हमने ये वैल्यूज यहाँ पर इनपुट कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे क्या एक चाइल्ड, तुमने कंटेनर करा है तो कंटेनर का एक चाइल्ड भी तो होता है, मतलब उसके अंदर का पार्ट जो तुमको दिखना है, उस कंटेनर के अंदर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड में सबसे पहले मैं करूंगा बैकग्राउंड कलर डिफाइन, तो वो क्या होगा अपना कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, एंड देन अब यहाँ पर आएगा अपना ऐप बार, तो ऐप बार क्या होगा, ऐप बार के अंदर आएगा यहाँ पे कुछ चार चीजें। सबसे पहली चीज ऐप बार में क्या डिफाइन करेंगे अपन यहाँ पे कलर, तो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऐप बार में कलर का हो जाएगा कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, ऐसे नहीं आएगा एक्चुअली, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद ही आएगा बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा एलिवेशन, तो एलिवेशन क्या हो जाएगा अपना जीरो, एलिवेशन हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे लीडिंग, मतलब तुम्हें तो लीड क्या कराना है, तो लीडिंग में आ जाएगा अपना यहाँ पर एक आइकन बटन, ठीक है, हमको एक आइकन बटन से यहाँ पे लीड करवाना है, स्टार्ट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या आइकन बटन, एंड आइकन बटन के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आइकन आइकन के अंदर क्या आएगा अपना एक आइकन जनरेट करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, आइकन डॉट एरो बैक, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, इसके करने का मेन रीजन क्या है कि हम यहाँ पर एक आइकन बना रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो बैकवर्ड वाला आइकन जो होता है ना जिसको अपन बोलते हैं वाला आइकन है, एंड यहाँ पे स्क्रीन स्क्रीन साइज, साइज क्या करना है हमको, स्क्रीन वेयर साइज, साइज में क्या सेट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन अवेयर, स्क्रीन अवेयर साइज 20 कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना कंटेक्स्ट, सॉरी कंटेक्स्ट आ गया। अब यहाँ क्या आ रहा है हमको यहाँ पे क्या करना है, ये हमने क्या बनाया यहाँ पे स्क्रीन अवेयर साइज करके एक चीज बनाई है, ठीक है, बट ये है क्या, अब स्क्रीन अवेयर साइज करके तो यहाँ पे कोई फाइल या यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमको, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे लगाऊंगा एंड व्हाट आई विल राइट यूटिलिटीज डॉट डार्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा यूटिलिटीज डॉट डार्ट, ठीक है। अब यूटिलिटीज डॉट डार्ट के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये चीजें जो मैंने बनाई उसको डिफाइन करना है, तो मैं लिखूंगा पैकेज फ्लटर मटीरियल डॉट डार्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करूंगा डबल डबल देन बेस हाइट, बेस हाइट में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कितनी, बेस हाइट मैंने कर दी 340.0, ठीक है, ये हो गई मेरी बेस हाइट। अब यहाँ क्या करूंगा डबल डॉट स्क्रीन साइज, स्क्रीन अवेयर साइज जो मैंने वहां लिखा था वो लिखा, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे डबल में आएगा यहाँ पे साइज, ठीक है, मतलब ये दो इनपुट ले रहा है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है बिल्ड कंटेक्स्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पे कंटेक्स्ट, ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर इनपुट लेगा, एंड ये क्या रिटर्न करेगा इंसान को, यहाँ पे रिटर्न करेगा साइज स्टार मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, एंड उसके बाद क्या बेस हाइट, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है साइज रिटर्न कितना कर रहा है, यहाँ पे साइज इंटू ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है मीडिया क्वेरी किसकी, कंटेक्स्ट की, कंटेक्स्ट का साइज, अगर बड़ी स्क्रीन में है तो साइज बड़ा हो जाएगा, छोटी स्क्रीन में साइज छोटा हो जाएगा, समझ गए। एंड अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्ट करने के लिए सिंपली जस्ट राइट यूटिलिटीज को इम्पोर्ट कर लो, तो इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पर, ये एरर दे रहा है क्या कि ऑन फ्रेस्ट यहाँ पर हमने इनपुट नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली यार तुम बटन बना रहे हो तो तुम्हें ऑन फ्रेस्ट तो लिखना ही पड़ेगा, राइट, तो क्या करो इसको सबसे पहले तो एक बार फॉर्मेट करो, ठीक है, आइकन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे अपना आइकन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे डालो ऑन फ्रेस्ट, सो ऑन फ्रेस्ट में कुछ भी नहीं करो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे डाल के छोड़ दो, ठीक है, अब हो गया ये सही चलने लगा, ऑन फ्रेस्ट डाल के ऐसा कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया आइकन बटन, ठीक है। अब क्या करना है अपने को एक टाइटल बनाना पड़ा सा, तो टाइटल बनाने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे तुम्हारी मेन वैल्यू आनी चाहिए, तो अभी अपने जूते बनाए थे उनका नाम क्या था एयर मैक्स 2021 करके मैंने यहाँ पे शूज बनाए एयर मैक्स करके, ठीक है, साइज क्या डाला उसका, साइज नहीं एक्चुअली स्टाइल हो गया, स्टाइल क्या कर रहे हैं हम इसको स्टाइल देंगे, तो इसकी क्या होगी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा अपना, एक तो कलर आएगा, तो कलर हो जाएगा अपना कलर डॉट व्हाइट, ठीक है, कलर्स डॉट व्हाइट हो गया, देना आ गया अपना फॉन्ट साइज, फॉन्ट
साइज होगा तो फॉन्ट साइज क्या है, स्क्रीन अवेयर साइज जो अपन ने वहां पे बनाया ना, स्क्रीन अवेयर साइज, ये सब अपने को साइज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो स्क्रीन अवेयर साइज में मेरे को यहाँ साइज कितना डालना है, स्क्रीन अवेयर साइज में मेरे को साइज डालना है यहाँ पे 18, एंड कंटेक्स्ट तो वो सेम ही रहेगा। मतलब क्या है कि जैसे 18 है तो अपने को रिटर्न क्या करना है, 18 इंटू जो अपने उसका है बेस की हाइट है, मतलब जो अपनी बेस हाइट है डिवाइडेड बाय अपनी हाइट जो अपने पर्टिकुलर कंटेक्स की, मतलब अपने सपोज बड़ी स्क्रीन में उसकी हाइट सपोज करो 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाय 640, तो कितना 1 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है, 1.2 समथिंग, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 × 1.2 करके जो भी इसकी हाइट बनेगी वो ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली के लिए यहाँ पे तुम कुछ भी डाल लो, बट अभी के लिए छोड़ो बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग फॉन्ट फैमिली राइट नाउ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि टाइटल है राइट, तो सेंटर टाइटल टेक्सटाइल के अंदर ही आएगा, सेंटर टाइटल यहाँ भी नहीं आ, अच्छा टाइटल इसके बाहर आएगा, टेक्स्ट के जस्ट बाद सेंटर टाइटल क्या आ जाएगा अपना थ्रू, मतलब जो हमारा टाइटल है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। ठीक है, अभी हो गया कि अपना इतना सेक्शन हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को यहाँ पर, ये हो गया अपना, यहाँ पर अपने को और एक चीज बनानी है जैसे कि एक्शंस, तो एक्शंस के अंदर यहाँ पर एक विजेट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक और आइकन बटन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आइकन बटन पे प्रेस करने से कुछ भी नहीं होगा, पर ये अभी क्लास यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, बाद में कि भाई प्रेस करने से क्या हो उसमें रेड कलर का वो हो जाए। ठीक है, आइकन बटन में यहाँ पर आइकन है, आइकन के अंदर यहाँ क्या आएगा अपना, आइकन आइकन के अंदर आएगा यहाँ पर आइकन डॉट फेवरेट बॉर्डर। ठीक है, फेवरेट बॉर्डर आ गया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइज, तो साइज तो मैं भाई अपना स्क्रीन वेयर साइज तो उसके हिसाब से 20.+ कॉन्टेक्स्ट, मतलब अपने आप से एडजस्ट होता रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। अभी तो इनिशियल साइज इसका 20 रहेगा, जैसी चीजें बड़ी होंगी छोटी होंगी वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है ये हो गया अपना कलर्स डॉट वाइट, एंड इतना सब हो गया, एंड बाकी यहाँ पे ऑन ट्रेस पे तो एम टी इसको रखा ही हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, इतना सेक्शन एप बार का पूरा पूरा रेडी हो गया। अब क्या करते हैं इसको रन करते हैं फ्लटर रन करके। ठीक है, जैसे इसको रन करेंगे आई थिंक सो इट्स गोना टेक लिटिल टाइम, जब तक तब आपको इतना पूरा समझ में आ गया हो ठीक है तो बता दो, यहाँ तक कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, ये है पूरा अपना, अभी इतना सा सेक्शन अभी इतना अपना रेडी हो गया। ठीक है, कलर्स डॉट वाइट तक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगी, बॉडी बनेगी पूरी। ठीक है, बॉडी बनेगी क्या होगा, बॉडी से यहाँ पर अब बार खत्म हुआ, यहाँ पे बना बॉडी, बॉडी के अंदर आएगा क्या, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू। ठीक है, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू के अंदर आ जाएगा अपना चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर क्या आ जाएगा अपना कॉलम, कॉलम के अंदर हम यहाँ क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर हमने यहाँ क्या करा, दो क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, काम करते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पर अभी क्या, प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्क्रीन, प्रोडक्ट स्क्रीन टॉप पार्ट। ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पर एक क्लास टाइप की बना दी है, एंड यहाँ पर इसको पढ़ता है ऐसा, क्या है विजेट है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हुआ, जो चाइल्ड था चाइल्ड के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर स्क्रोल रूल, बाकी सभी सब चाहिए। ठीक है, एंड अब क्या करना है इसको अपने को यहाँ पर ये जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, तो राइट आफ्टर दिस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्लास बनाई किस नाम से, स्टेटफुल विजेट बेसिकली हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, स्टेटफुल विजिट, स्टेटफुल विजिट में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्क्रीन टॉप पार्ट। ठीक है, प्रोडक्ट स्क्रीन एंड यहाँ पे टॉप पार्ट, प्रोडक्ट स्क्रीन का टॉप पार्ट जो है हमारा वहां पर अपने को ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना पार्ट, अब यहाँ पर कुछ भी एरर ये थ्रो नहीं कर रहा है साइड, देखो अभी इतना हमारा सेक्शन बन चुका है। ठीक है, दिख रहा है, ये हो गया अपना एयर मैक्स। अभी अगर जाओगे तो जो हमारा इनिशियल था कहाँ गया, तो ये कुछ ऐसा था, दिख रहा है बोल्ड है, जैसे टेक्स्ट बोल्ड है, तो अपने को टेक्स्ट एक बार देख लेना है कि चाहे टेक्स्ट बोल्ड कर देता हूँ, देन आई थिंक सो वो सही लगने लगेगा। बट क्या करता हूँ, ओके फॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली ऐड करूंगा तो ये सही लगने लगेगा, टाइटल का अपना टेक्स्ट का ये रहा।
सो ये है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज एंड यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ऐड करके एक बार इसको जल्दी से रिलोड करता हूँ। मैंने क्या करा, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट डॉट बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये नहीं अपना कहाँ गया, नहीं रिस्पॉन्सिव, देखो ये रहा, ठीक है। रिलोड करा, देखो बोल्ड हो गया है। आई थिंक सो मुझे यहाँ पर ना इसमें वो ऐड करनी पड़ेगी, पबस्पेक डॉट वाई एम एल में जाऊंगा मैं। एंड पबस्पेक डॉट वाई एम एल में जाने के बाद अपन ने जो फॉन्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करी है ना, वो फॉन्ट्स वगैरह मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम जाओ पबस्पेक डॉट वाई एम एल में। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ फॉन्ट्स वगैरह बनाई है, ठीक है। कहाँ है फॉन्ट्स, मैंने फॉन्ट्स वगैरह यहाँ पे मतलब ली थी, तो यहाँ पे दिख रहा है ये फॉन्ट्स वाला सेक्शन, इसको हटाओ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फॉन्ट्स जो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए यूज करने वाला हूँ, राइट। तो उसके लिए क्या है, ये तीनों फॉन्ट्स है, इसको अपन एक फोल्डर बनाएंगे एसेट नाम का, उसके अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पर एसेट्स, ASSETS, एसेट्स करके मैंने एक फोल्डर बनाया। एंड यहाँ से ये चार फाइल्स जो है इसको मैं इसमें कर दूंगा कॉपी, ठीक है। लेकिन इसे ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर अभी नहीं हुई है, तो ये आ गई अपनी क्या, तीन चार चीजें आ गई हैं। पब्सपेक डॉट लॉक भी पहुंच गया आई थिंक से यहाँ पे, डिलीट कर इसको भी। एंड अपनी यूटिलिटीज में एक ही चीज होनी चाहिए, ठीक है। एसेट्स में अपने क्या सिर्फ तीन, ये तीन चीजें चार चीजें हैं। अब क्या करूंगा, इसको एक बार मैं फटाक से यहाँ पर मेन डॉट डार्ट में आऊंगा एंड यहाँ पर इस फाइल को एक बार जल्दी से रीलोड कर दूंगा। तो देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो बड़ा हो गया है। कुछ नहीं करना था, सिंपल हमको यहाँ पर फाइल्स वगैरह वो करनी थी। तो ये तो हो गया अपना पब्सपेक डॉट वाई एम एल जितना सेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, अपनी हेडिंग रेडी हो गई है, ठीक। तो अब अपने को टॉप स्क्रीन का जो पार्ट है उतना अपने को क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए समझ लो थोड़ा सा हेफ्टी करना है अपने को अभी काम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक साइज्ड बॉक्स राइट हियर। इस कंटेनर की जगह हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, एक साइज बॉक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। साइज बॉक्स रिटर्न करेंगे जिसकी विथ क्या होगी, डबल डबल डॉट इंफिनिटी। एंड यहाँ पे हाइट इसकी क्या हो जाएगी, सेम। तो हाइट इसकी क्या करेंगे, एडजस्टेबल होनी चाहिए एक्चुअली हाइट। तो हाइट क्या कर दूंगा मैं, स्क्रीन साइज, स्क्रीन अवेयर साइज। एंड स्क्रीन अवेयर साइज के बाद 245 रख दूंगा इसको इतना, ठीक है। तो इतना करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर आएंगे। एंड यहाँ पर आने के बाद व्हाट वी विल राइट हियर इज, आई विल राइट चाइल्ड, चाइल्ड के बाद मेरे को यहाँ पे स्टैक, स्टैक बनाएंगे हम यहाँ पर। एंड स्टैक के अंदर अलाइनमेंट की जगह राइट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जगह यहाँ पर एक और स्टैक, स्टैक। एंड इसके बाद यहाँ पर आएगा क्या, एक और अगेन से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा अपना एक कंटेनर, ठीक है। कंटेनर आएगा अपना एक कंटेनर जिसके अंदर क्या होगी, हाइट होगी, हाइट अबाउट समथिंग 220 पिक्सल। एंड विथ होगी, विथ कितनी होगी, अराउंड 400। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर यहाँ पे करेंगे इमेज, इमेज डॉट एसेट। एसेट से हम यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर दो तीन इमेजेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। फ्लिपकार्ट, नाइकी, ठीक है। एसेट्स के अंदर यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। ये रही हमारी ये मेन डॉट डॉट कहाँ से पहुंच गई, मेन डॉट डॉट को यहाँ पे से करो डिलीट, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, अपन ने दो चार इमेजेस निकाल दिए हैं जैसे कि ये है, ठीक है। अपने को ये यहाँ पर ऐड अप करनी है, तो क्या कर सकते हो, ये ऐड करने के लिए इसको करो क्लोज एंड नाइकी, नाइकी के बाद यहाँ पर आएगा अपना एसेट्स, ASSETS एसेट फ्लैश नाइकी डॉट PNG, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको जल्दी से रीलोड करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। देखो अनेबल टू लोड एसेट डॉट नाइकी डॉट PNG। ये इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने इसको पब्सपेक में यहाँ पर दोबारा से लगाया नहीं है, ठीक है। पब्सपेक में लगाने के लिए एक बार पब्सपेक डॉट वाई एम एल में जाएंगे एंड यहाँ पर अपनी जितनी भी थी, ठीक है, नाइकी हो गई, चाहे ये लो, तो इसको क्या करेंगे हम एसेट से यहाँ पे कॉपी करेंगे। एंड एसेट्स का ये जो फोल्डर है ना यहाँ पर ही दिख रहा है,
ये रहा, देखा, इसमें यहां पर हम इसको डाल देंगे। तो उसके लिए अपनी कौन सी इमेज है, अपनी दो इमेजेस है राइट, क्लिप आर्ट है एक अपने पास, ये रही अपनी क्लिप आर्ट नाइकी डॉट पी एन जी, एंड एक है अपनी ये वाली। तो अपन ये तीन इमेजेस को यहाँ पर यूज करने वाले हैं राइट। तो ये तीनों इमेजेस को अपन ने यहाँ पर एडअप कर दिया है, ठीक है, आई थिंक सो, अब दिख रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको जल्दी से करते हैं यहाँ से रीलोड, वापस से पर्सपेक्टिव से हटो, इसको बंद करो, एंड इसको यहाँ से एक बार फटाक से रीलोड करो, ठीक है, आई थिंक सो, अब दिख जानी चाहिए, दिख रही है राइट। तो ये हो गई अपनी इमेज, यहाँ पर विजिबल है, क्लियरली दिख रही है कुछ अपने को, अब अपना स्ट्रक्चर सा बनता दिखाई देने लगा है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है, लग रहा है सही सा। तो काइंड ऑफ सेम सी अलाइनमेंट हो गई है ना। अब क्या करते हैं, बाकी की जो चीज है उसको एडअप करते हैं। तो ये बंद कर दूं, ठीक है, तो ऐसा करके अपने को अलाइनमेंट अब सेट करना है। तो उसके लिए आ गए अपन वापस अपने पेज में, एंड यहां पर आने के बाद ये तो हो गया अपना इमेज इतना सेक्शन सेट हो गया। अब इधर पे क्या करना है, एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज व्हाट, क्या होगा यहाँ पे, फिट होगा, फिट तो क्या होगा अपना बॉक्स फिट डॉट कंटेन, ठीक है, बॉक्स फिट डॉट कंटेन करेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पर राइट, ये कंटेनर जहाँ पे खत्म हो रहा है, एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ नई फाइल मतलब, नई फाइल मतलब नई चीज ऐड करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा था ना, आई गेस तो देखा होगा यहाँ पे 360 करके दिख रहा था, ये इधर ये 360 जैसा, ये अपन यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर आएंगे एंड वील ऐड पैडिंग, पैडिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर एल राइट एज इंसेट्स, एज इंसेट्स डॉट ऑल या एज इंसेट्स डॉट ओनली करके यहाँ से करो, टॉप से करो एक तो सबसे पहले, ठीक है, टॉप से करो कितनी की पैडिंग 250, एंड राइट से कर दो एक पैडिंग कितनी 35 की थोड़ी सी, ठीक है, ताकि बस थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका सही हो जाए। एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा चाइल्ड, चाइल्ड का क्या रहेगा, अलाइन अलाइन, एंड इसके अलाइनमेंट के बाद अलाइन करेंगे अपन इसको, कैसे अलाइनमेंट हमको इसको सेट करना है, तो अलाइनमेंट आएगा इसका क्या, अलाइनमेंट डॉट टॉप, टॉप से कहा अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट, ठीक है, ये हो गया अपना अलाइनमेंट यहाँ पे सेट। चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर क्या देगा अपना कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के बाद यहाँ पे आएगा क्या, विथ, विथ आएगी कितनी, अपन इसकी सेट कर देंगे वही स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो व्हाट आई राइट, स्क्रीन अवेयर साइज, स्क्रीन अवेयर साइज कितना हो गया 50, ठीक है, विथ भी इतनी हो गई, एंड इसकी जो हाइट है उसको भी इतना ही रहने दो, तो हाइट भी मैं इतना ही करूंगा, कॉपी पेस्ट, ये हो गई हाइट सेट अपनी, ठीक है, ये क्या कंटेनर की हाइट विथ सेट हुई है। अभी इसमें डेकोरेशन देते हैं, डेकोरेशन हाइट की कैसी रखनी है तुमको यार, सर्कल रखना था, अगर इसमें देख सकते हो यहाँ पर इसको ऐसे रखो यार, दिख रहा है सर्कल, तो डेकोरेशन देंगे उसको वैसे ही। तो क्या करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन करा अपन ने यहाँ पे सेट, एंड बॉक्स डेकोरेशन सेट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, राइट आफ्टर दिस बॉक्स डेकोरेशन यहाँ पे कलर डिफाइन करेंगे, तो कलर डिफाइन करेंगे कलर्स डॉट ब्लैक, कलर्स डॉट ब्लैक में भी एग्जैक्ट ब्लैक नहीं, 26 ब्लैक, क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है, देन शेप, शेप में क्या आएगा अपना बॉक्स शेप डॉट सर्कल डॉट सी आर सर्कल, ठीक है, सर्कल हो गया। एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर आएगी क्या अपनी एक इमेज, इमेज सेट करेंगे, इमेज डॉट क्या एसेट के अंदर जो हमारी इमेज है, ठीक है, कौन सी इमेज हमको यहाँ पे सेट करनी है, उसके लिए मैं लिखूंगा एसेट्स स्लैश 360.png, ठीक है, एसेट्स डॉट 360.png, यहाँ ये रहा 360.png, ठीक है, इसको क्या करते हैं एक बार अब जल्दी से करते हैं रीलोड। ये तो अपनी ओरिजिनल है, इसमें आएंगे देखो ये दिखने लगा है, आने लगा, अब मस्त सा एसेट अपना रेडी हो गया यहाँ पे है ना। तो ये तो अपना एसेट जितना सेक्शंस वगैरह जो भी अपने को बनाने थे वो हो गए अपने पूरे रेडी, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसमें जल्दी से एक रेटिंग एड अप कर देते हैं, ठीक है, कैसी रेटिंग होगी या कैसे क्या दिखना चाहिए, तो क्या करते हैं जल्दी से, उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर राइट आफ्टर दिस, ये जो अपना यहाँ पे स्टैक खत्म हुआ है ना, ये वाला जो यहाँ पे स्टैक ओवर हो रहा है इधर पे, तो इधर पे आऊंगा, एंड यहाँ पर चलिए काम करता हूँ, विजिट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया अपना विजिट।
प्रोजेक्ट नंबर वन जहां पर खत्म हो रहा है ना पैडिंग एंड अलाइनमेंट के बाद वाले स्टैक, यहाँ पर अपन आएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पोस्टपॉन्ड, पोस्टपॉन्ड पोस्टपॉन्ड के अंदर यहाँ पर आएगा चाइल्ड, क्या लिखेंगे अपन कॉलम बनाते हैं ठीक है, क्योंकि अपने को और भी चीजें ऐडअप करनी है, रेटिंग ऐड करोगे उसके बाद तुम स्टार वगैरह वो जो कॉलम का था ना वो ऐड करोगे, तो कॉलम ऐड करा अपन ने यहाँ पर ठीक है। कॉलम ऐड करने के बाद यहाँ पर तुमको एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट याद रखना है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्या होगा अपना डॉट इतना स्टार्ट ठीक है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट हो गया अपना स्टार्ट से, एंड देन यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन, विजिट हो गई अपना विजिट है ये ठीक है, तो इस चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे अपन एक लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या रहेगा भाई तुम्हारा रेटिंग, क्योंकि तुमको रेटिंग बतानी ना, तो रेटिंग हो गई अपनी टेक्स्ट, अब इसकी स्टाइलिंग होगी तो स्टाइल में आ जाएगा अपना टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पर क्या है कलर, कलर के अंदर आ जाएगा क्या अपना कलर जो अपन को डिफाइन करना है, तो जो भी तुम इस रेटिंग को कलर देना चाहो, लाइक इन माई केस 0xFF94959, ये एक स्पेसिफिक यू नो कलर ग्रेड है देखो कुछ ऐसा सा, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा है, लाइक इफ यू नो द नेम यू कैन यूज इट डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे आएगा फॉन्ट फैमिली मॉन्स, वो जो अपन ने ऊपर लिखी थी यार, अब मैं इसको टाइप ऐसे याद नहीं है मुझे, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख सकता मैं, तो मॉन्स्योर करके कुछ है ना यार, बड़ा सका गया यार, फॉन्ट फैमिली ये रही अपनी बोल्ड ठीक है, जो भी बोल्ड वोल्ड है ये वो गई अपनी यहाँ पर फॉन्ट फैमिली ठीक है, ये हो गई अपनी फॉन्ट फैमिली मॉन्स्योर डॉट बोल्ड ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है साइज बॉक्स ऐड करेंगे अपन जस्ट टेक्स्ट के बाद ठीक है, साइज बॉक्स ऐड करा, साइज बॉक्स के अंदर उसकी हाइट सेट करी, हाइट सेट क्या करेंगे स्क्रीन अवेयर साइज कितना 8.0, एंड उसके बाद तुम इंक्रीज करते रहना उसको ठीक है, ये हो गया अलाइन भी हो गया सही से, अब सही दिख भी रहा है ना, अपनी रेटिंग यहाँ पर जनरेट हो गई। अब इस रेटिंग के जस्ट बाद यहाँ पर ये जो साइज बॉक्स है इसके जस्ट बाद यहाँ पर तुमको रेटिंग भी तो दिखानी है यार, कितनी की रेटिंग आई है तुम्हारी, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे एक रो ठीक है, रो बनाएंगे रो जिसके अंदर क्या है एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर क्या है तुम्हारा एक साइज बॉक्स है, साइज बॉक्स के अंदर यहाँ पर साइज बॉक्स के अंदर यहाँ पर बनाएंगे अपन क्या कुछ चीजें ऐड अप कर सकते हैं, लाइक क्या ऐड करोगे यहाँ पे तुम एक विथ डिफाइन करो साइज बॉक्स के अंदर कि तुम्हें कितने की विथ यहाँ पर देनी है ठीक है, तो विथ अपन सीधा देते हैं 8.0 की, थोड़ा सा गैप आ जाएगा ठीक है, देन तुम यहाँ क्या करोगे यहाँ पे साइज बॉक्स के जस्ट बाद एक आइकन दोगे स्टार, याद है ना स्टार, आई गेस स्टार देते हैं अपन, तो स्टार की आइकन अपने को बनाना है, तो आइकन डॉट स्टार ठीक है, एंड यहाँ पे कलर उसका क्या दे दूंगा गोल्डन कलर मुझे चाहिए, तो कलर यहाँ पे कैसे सेट करूंगा मैं कलर कलर, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू तो 0xFFF कितनी बार F4E6 ये हो गया अपना क्या गोल्डन कलर, तो ये हो गया अपना गोल्डन कलर, एंड राइट आफ्टर दिस गोल्डन कलर अपने को यहाँ पर एक और गैप देना है साइज बॉक्स जिसकी विथ हमको फिर से यहाँ पर देनी है ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ये वाला साइज बॉक्स को करो कॉपी यहाँ से, एंड यहाँ पे ये रो जैसे ही खत्म हुई है ये जो साइज बॉक्स अपना ये आइकन जहाँ पे खत्म हुआ ना वहां पे इसको करो पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ हाइट आई विल डू दिस विथ, ये मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, इसकी जो विथ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहेगी ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है टेक्स्ट देना है अपने को, टेक्स्ट देना है तो उसके लिए यहाँ पर लिखो क्या साइज बॉक्स ये ओ खत्म हो रहा है अपना यहाँ पर, तो अब तो थोड़ा क्लियर दिख रहा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे आएगा अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा मैं 4.2 पीपल, मतलब 4.2 की इसकी रेटिंग है, 4.2 की रेटिंग है, स्टाइलिंग आएगी इधर पे, तो स्टाइलिंग में क्या लिख सकते हो टेक्स्ट स्टाइल ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर एंटर कर दिया, टेक्स्ट स्टाइल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे कलर, कलर आएगा अपना कैसा कलर उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 0xFF ऐसे करके 0xFFF वो जो सेम गोल्डन कलर ऊपर लिखा है यार 6 ठीक है, ये हो गई अपनी गोल्डन कलर की वो ठीक है। अब यहाँ पर एक और बार अपन वही साइज बॉक्स जो ऊपर लिखा उसको रिपीट करेंगे, कॉपी करा टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है ना यहाँ पे टेक्स्ट अपना खत्म हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे करो पेस्ट, एंड यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट को एक बार कॉपी करो ठीक है, एंड ये अपनी स्पेस खत्म हुई यहाँ पर करो उसको पेस्ट, एंड यहाँ पे क्या लिख दो ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे 3078 पीपल ठीक है, ऐसे करा, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस अपने को करने पड़ेंगे, लाइक जो कलर है कलर यहाँ पे हटके हो जाएगा कलर्स डॉट वाइट,
कलर्स डॉट वाइट, एंड यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, फॉन्ट साइज हो जाएगा अपना 14.0। ठीक, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ क्लोजिंग टैग। एक बार इसको फॉर्मेट कर रहा तो आई गेस ये फिर बिना हो जाएगा, है ना। आई होप सब सब सही है, यहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी एरर नहीं है। अब एक बार क्या करते हैं, इसको जल्दी से रीलोड करते हैं। देखो ये आ गया, रेटिंग अपनी दिखने लगी अपने को, ऐसी सी रेटिंग अपनी है ना, रेटिंग अपने को दिख रही है सही से, एग्जैक्ट सेम रेटिंग यहाँ पर, बस फर्क है ये ऊपर है अभी थोड़ी सी, तो इसको अलाइनमेंट इसका आई गेस मेरे को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो अलाइनमेंट देख लूंगा मैं कैसे क्या हो रहा है, और जैसे ही वो सही होगा एंड इसके बाद ही अपना प्रॉपरली लाइन हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक कहाँ इसकी अलाइनमेंट मेरे को देनी चाहिए। यहाँ पर इस विजिट की स्टार्टिंग होने के बाद यहाँ पर मैं इसको अलाइन कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वो तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है गाइस, ठीक है ना, तो उसमें अपने को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अपने को जो मेन पूरा इसका कंटेनर था ना, इसको अलाइनमेंट देनी चाहिए थी, बट आई थिंक सो मैंने दी नहीं है अलाइनमेंट। यहाँ पे पैडिंग हुई, पैडिंग के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट कर ली है इसकी, राइट। तो चाइल्ड में इसकी अलाइनमेंट अपन ने सही करी है, तो यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, इसमें आई थिंक सो यहाँ तक कोई भी एरर इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, लाइक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट या यहाँ पर यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा, है ना। कुछ भी कहीं पर भी समझ ना आए तो कमेंट करो, बताओ मुझे कि कहाँ पर आपको इश्यू आ रहा है या कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो था, ये था इतना सेक्शन जो अभी तक अपन ने बनाया आज की वीडियो में, ठीक है। आई थिंक सो वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी लंबी हो गई, राइट। हाँ, तो दिस वॉज प्रीटी मच इट, अभी के लिए इतना ही सेक्शन हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम कवर करेंगे, जहाँ पर हम इसकी अलाइनमेंट चेक करेंगे। देखो ये पूरी जो अलाइनमेंट हो रही है, ये देन ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कैसे लेस मोर हो रहा है, देन ये पूरा जितना भी कोड है, हम बाकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम इसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए सी, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।